हाय गाइस, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम लोग एक साइन अप और लॉगिन पेज बनाने वाले हैं। तो जैसे कि आपने बहुत सारे ऐप में देखा होगा कि लॉगिन पेज और साइन अप पेज होता है, तो पहले जिसमें यूज़र पहले साइन अप करता है फिर लॉगिन करता है, तो हम लोग वो आज बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले कि हमारे जो पहला स्टेप हुआ कि हमको सोचना पड़ेगा कि हम कौन सा लेआउट यूज़ करें। तो बेसिकली आप लॉगिन पेज पे देखते होंगे कि पहले तो एक आइकन रहता है यहाँ पर, फिर नीचे साइन अप मतलब इंटर नेम, इंटर ईमेल, पासवर्ड, ये सब। तो देखते आप देखोगे कि वो एक के एक नीचे रहता है, तो वो मतलब एक दूसरे के नीचे रहते हैं और वर्टिकली वो चले जाते हैं इस तरह। तो सबसे पहले कि हम लोग क्या करते हैं, हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं दो भागों में। तो हम लोग इस टेक्स्ट व्यू को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। और हमारे यहाँ पर पहले से कंस्ट्रेंट लेआउट दिया हुआ, बाई डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट लेआउट आता है। तो हम क्या करते हैं, इस कंस्ट्रेंट लेआउट को रिमूव करते हैं, इसको लीनियर लेआउट के साथ रिप्लेस करते हैं। और लीनियर लेआउट में हमें एक एट्रीब्यूट देना पड़ेगा किसकी ओरिएंटेशन वर्टिकल रहेगी, तो ओरिएंटेशन वर्टिकल दे देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि पहले बैकग्राउंड देते हैं। तो बैकग्राउंड मैं आपको एक अच्छा से देना सिखाऊंगा कि हम मैं बैकग्राउंड में एक ग्रेडियंट कलर डालता हूँ। तो ग्रेडियंट कलर डालने के लिए आपको रिसोर्स में जाना है, ड्राइवर पे, यहाँ पर आपको लेफ्ट राइट क्लिक करना है, उसके बाद न्यू ड्राइवर रिसोर्स फाइल। ओके, तो ड्राइवर रिसोर्स फाइल, यहाँ आप उस फाइल का नाम दे दें कि लॉग इन बैक। मेक श्योर कि यहाँ कि आप कैपिटल लेटर यूज़ ना करें। उसके बाद ओके पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपका कुछ कोड आ जाएगा, तो उसको आपको सिलेक्टर को रिप्लेस कर देना सेव के साथ। सेव के साथ रिप्लेस हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ग्रेडियंट। ग्रेडियंट तो स्टार्ट कलर हम देंगे उसका बाय डिफॉल्ट, पहले मैं ये दे देता हूँ। उसके बाद हम एंड कलर देंगे उसका हम, चलिए अब ये आ चुका है, अब हम इसका कलर चेंज करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कलर कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, अब इंड कलर में इसमें वाइट देता हूँ। तो ये देखिए हमारा डिज़ाइन यहाँ पर आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, ये हो गया, अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मुझे यहाँ आना। तो मैं यहाँ इसका इस लीनियर लेआउट के बैकग्राउंड पे वो जो मैंने अभी कोड ग्रेडियंट कलर बनाया उसको सेट कर देता हूँ। तो बनाने के लिए मेरा नाम क्या है, यहाँ लॉग इन बैक। तो सिंपल आप यहाँ लॉग इन लिखिए, आपके पास ऑटोमेटिक एंड स्टूडियो सजेशन देगा, उसको क्लिक कर देना। देखिए हमारा बैकग्राउंड सेट हो चुका है। अब हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ एक लोगो चाहिए या आइकन कह सकते हैं। तो वो लाने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं फ्लैटी आइकन में, ये वो वेबसाइट है जो हमें बहुत तरह के आइकन फ्री में प्रोवाइड कराती है, हालांकि कुछ पेड होती है प्रीमियम वर्जन वाली, तो उसे लेने के लिए आपको पहले इसकी लाइसेंस लेने पड़ेगा। तो हमें उतना एडवांस लेवल में हम लोग नहीं बना रहे, तो हम लोग कुछ फ्री भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ हम देते हैं यूज़र, और आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि एंड्रॉयड स्टोर के साथ आपका नेट कनेक्शन होना चाहिए। स्लो है थोड़ा, सॉरी। तो मैं इस इमेज को ले लेता हूँ। तो जब आप तो जिस आइकन के नीचे ये साइन आ रहा है मतलब वो पेड़ है, वो आपको लेने के लिए आपको कुछ पे करना पड़ेगा। तो मैं सिंपली इसको या डीपी मतलब किस पिक्सल में हम लोग डाउनलोड करना चाहते हैं, तो मैं इसे करता हूँ 64 मेगा पिक्सल में, नॉट मेगा सॉरी, पिक्सल सॉरी। डाउनलोडेड हो चुकी है। तो मैं क्या करूँगा, जैसे कि लीनियर लेआउट है, तो लीनियर लेआउट हो गया। अब नीचे मैं आप चलता हूँ, अब मैं इमेज भी एक इमेज व्यू लेता हूँ, सॉरी कैपिटल होगा इमेज व्यू। इसका विथ मैं देता हूँ, विथ 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 पहले तो रैप कंटेंट देता हूँ, हाइट भी रैप कंटेंट देता हूँ, उसके बाद
SRC देता हूँ। अच्छा, पहले तो मैंने जो डाउनलोड किया उसे हमको इस एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट में लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले चलते हैं डाउनलोडेड में, डाउनलोड्स यहाँ पे, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, नाउ ओपन एंड्रॉइड स्टूडियो, देन अगेन राइट क्लिक ऑन ड्राइवर एंड कंट्रोल वी एंड सेलेक्ट दिस ड्राइवर एंड क्लिक ओके। मेक श्योर योर फाइल नेम मस्ट कंटेन ओनली स्मॉल कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर सॉरी, नो डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर, प्लीज ओके। नाउ योर प्रोफाइल इज इम्पोर्टेंट, नाउ प्रोफाइल इमेज इज इन योर ड्राइवर, नाउ टेम्पलेट टाइप SRC एंड व्हाट इज द नेम ऑफ योर आइकन दैट इज प्रोफाइल, सिंपली टाइप प्रोफाइल एंड स्टूडियो ऑटोमेटिक सजेस्ट योर प्रोफाइल, क्लिक ऑन दैट। नाउ यू कैन सी आवर प्रोफाइल इज आइकन इज हियर विजिबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू मेक इट सेंटर, टेक इट टू इट सेंटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड इट्स ग्रेविटी, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो हमारा जो आइकन है वो आ चुका है, तो अब हम क्या करते हैं, इसकी ग्रेविटी को हम लोग लेआउट ग्रेविटी सेंटर करते हैं। लेआउट ग्रेविटी सेंटर करने से ये सेंटर पे आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसका जो टॉप मार्जिन है उसको हम कुछ देते, टॉप मार्जिन देते हैं, इसको मैं 50 dp देता हूँ, 59 600 dp देता हूँ। ओके, 100 dp हो गया। उसके बाद हम देंगे इसको, सिंपली हम क्लोज कर देंगे, सॉरी। तो हमारा इमेज भी आ चुका है। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए एक एडिट टेक्स। तो चलिए एडिट टेक्स के लिए हम ड्रैग एंड ड्रॉप का वो इस्तेमाल करते हैं, सॉरी पहले तो एडिट टेक्स में हमारा ईमेल होता है, तो हम सिंपली एडिट टेक्स्ट लिखेंगे, या ऑटोमेटिक ईमेल सेलेक्ट कर, सिंपली इसको पकड़ना है या छोड़ दीजिए, छोड़ दिए। उसके बाद आपको क्या करना है, और एक लेना, तो उसमें क्या रहता है, पासवर्ड रहता है ना, तो पासवर्ड के लिए हम लोग देख रहे हैं पासवर्ड है, तो इसको लेना, पकड़ के यहाँ छोड़ देना है। यही लीनियर लेआउट का फ़ायदा है, ओरिएंटेशन वर्टिकल की, आपको जो यहाँ सब सेलेक्ट करिए सिंपल छोड़ दिए, ऑटोमेटिक नीचे नीचे वर्टिकली अरेंज होता हुआ चला जाएगा। तो अब हमारा आ चुका है, तो हम क्या करते हैं, इसको इसका जो बैकग्राउंड है इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि वो हमें अच्छा लगे देखने में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली बैकग्राउंड यहाँ लिखेंगे उसका, चलिए एक अलग से हम लेआउट मतलब ड्राइवर रिसोर्स फाइल बना लेते हैं इसके बैकग्राउंड के लिए। तो हमें सिंपली फिर से क्लिक करना है ड्राइवर पे और न्यू ड्राइवर रिसोर्स फाइल, तो इसको हम नाम दे देते हैं एडिट टेक्स्ट बैक। ओके, तो इसको फिर से रिमूव करना, रिप्लेस करना है सेव के साथ, देन अगेन टाइप सॉरी सेव सेव सेव। उसके बाद आपको टाइप करना है कॉर्नर्स रेडियस, रेडियस मैं देता हूँ 10 dp। उसके बाद इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब मैं यहाँ सॉलिड लिखता हूँ, सॉलिड सिर्फ कलर आता है, तो कलर मैं यहाँ इसको दे देता हूँ। अभी इसको भी क्लोज करता हूँ, फिर यहाँ से मैं कलर को चेंज करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा ग्रेज देता हूँ, मैं वाइट ही रहने देता हूँ उसको। तो हमारा हो गया, तो मैं अब क्या करता हूँ उसके बैकग्राउंड में वो सेट कर देता हूँ लॉग इन बैक। तो हमारा ये आ चुका है, इसमें भी मैं करता हूँ लॉग इन बैक, सॉरी बैकग्राउंड लॉग इन बैक। अब ये बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसकी हाइट को हमें थोड़ा सा इंक्रीज कराना पड़ेगा। तो मैं इसकी हाइट को दे देता हूँ 40, 50,
डीपी, इसकी हेड को दे देता हूँ मैं 50 DP। अब ये मैं बहुत, अब इसमें एक एट्रीब्यूट आता है कि मैं इसका, सॉरी एक चीज़ हम लोगों ने गलत किया है क्या, इसका बैकग्राउंड हमें लॉगिन बैक दे दिया, हालांकि वो नहीं देना था हमें, हमें देना क्या था, हमें एडिट टेक्स बैक देना था, सॉरी। मैं यहाँ पर देता हूँ, आ गया। देखिए अब मुझे क्या करना है, इसमें थोड़ी सी टॉप मार्जिन दे देते हैं, जो टॉप मार्जिन हम दे देते हैं तुम्हारा 15 DP, इसमें भी हम दे देते हैं लेआउट। और लेफ्ट राइट मार्जिन भी हम दे देते ताकि, तो थोड़ी सी डिज़ाइन वाले पार्ट पे आ जाए, तो कंट्रोल कंट्रोल प्रेस करके, सिंपली प्रेस कंट्रोल एंड सेलेक्ट बोथ एंड सर्च हियर मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन देते हैं हम 10 DP। देखिए दोनों में एक साथ आ रहा, राइट मार्जिन भी देते हैं 10 DP। और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले कि आप ऐप पे जाइए, राइट क्लिक करना है आपको, यहाँ पर सिंपली न्यू पे जाना है, उसके बाद वेक्टर एसेट पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिप आर्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर पर्सन या यूज़र कुछ टाइप करना है आपको, यूज़र यूज़र मैन मैन पर्सन कुछ देखता, हाँ पर्सन है, ओके पर्सन नहीं, हमें ईमेल चाहिए, सॉरी। तो मैं ईमेल का ऑप्शन देख रहा, सिंपली इसको क्लिक करना, मतलब एंड्रॉइड स्टूडियो आपको पहले से कुछ आइकन दे देता है, तो हम ब्लैक ही रहने देते हैं, उसके बाद इसको नेक्स्ट करते हैं, उसके बाद इसको फिनिश कर देते हैं। तो अब फिर से हम चलते हैं वहाँ पर, और हमें क्या चाहिए, की का पासवर्ड, मतलब पासवर्ड के लिए कुछ आइकन चाहिए, तो मैं वेक्टर सेट पे जाता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर की टाइप करता हूँ, तो की हमारा यहाँ आ चुका है, इसको क्लिक करना, फिनिश पे क्लिक कर देना। तो आ चुका है, अब हम कोड पे चलते हैं, तो हम कोड पे चलते हैं, यहाँ पर आपको एक एट्रीब्यूट यूज करना है, ड्राइवर लेफ्ट, ड्राइवर लेफ्ट में आप ईमेल में हैं, तो ईमेल में आपको सिंपली ईमेल टाइप कीजिए, बेस लाइन ईमेल, इसको सिलेक्ट कर लेना जो आपने अभी भी ऐड किया, तो देख सकते हैं ईमेल आपका यहाँ पर एक आइकन आ चुका है। फिर सिंपल इसी तरह पासवर्ड में हम ऐड करेंगे ड्राइवर लेफ्ट, और जो हम लोग की यूज़ किए हैं वो की टाइप करना है आपको, देखिए यहाँ पर की भी आ चुका है। और हम क्या चाहते हैं, हिंट चाहते हैं कि, जैसे कि हिंट नहीं होता है आप इंटरव्यू में, हम तो हिंट भी यूज़ करते हैं, हिंट ईमेल, देखिए ईमेल शो हो रहा है आपको, और यहाँ भी हम हिंट देते हैं, पासवर्ड, ओके। अब ग्रेविटी सेंटर करोगे तो बीच में आ जाएगा, सो लेआउट ग्रेविटी नहीं, सिंपल ग्रेविटी नीचे वाला, देखिए बीच में आ गया, यहाँ पर भी वही कर देता हूँ मैं, क्या करता हूँ, इस टेक्स्ट के नीचे यहाँ पर एक लॉगिन टेक्स्ट, मतलब उस आइकन के नीचे एक लॉगिन टेक्स्ट होना चाहता, मैं चाहता हूँ कि हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इस कोड को ऊपर करेंगे, तो आइकन मेरा यहाँ है, तो यहाँ इसके नीचे मैं एक इमेज टेक्स्ट भी यूज़ करता हूँ, टेक्स्ट व्यू रैप कंटेंट हाइट 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 रैप कंटेंट, टेक्स्ट में हम दे देता हूँ ब्लॉगिंग हियर, लॉग इन हेयर, तो हमारे यहाँ लॉग इन हेयर आ रहा है, लेकिन उसका
अच्छा मैं इसका मार्जिन दे देता हूँ, लेफ्ट मार्जिन 10 dp, इसको मैं वाइट कर देता हूँ वाइट, इसका इसका टेक्स्ट साइज भी बढ़ा देता हूँ, साइज टेक्स्ट साइज देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा, 20 sp। आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आप जब टेक्स्ट साइज दे रहे हो तो हमेशा यूनिट sp में दें, और जब भी कोई मार्जिन dp मार्जिन दे रहे हो तो उसकी साइज dp होती। उसके बाद इसको मैं और इंक्रीज कर देता हूँ, बेसिकली 30 sp कर देता हूँ, ठीक दिख रहा है। इसका कलर मैं चेंज करके वाइट कर देता हूँ, टेक्स्ट कलर सिंपली यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से मैं चेंज करता हूँ उसको, हम क्या चाहते हैं, एक बटन चाहते हैं, तो बटन कहाँ पर दे दूँ भाई, बटन मैं यहाँ पर दे देता हूँ, अब आपको बटन को भी ठीक करना पड़ेगा। तो चलते हैं बटन की को, अच्छा यहाँ ईयर कहाँ आ रहा है देख लेते हैं ऊपर, अच्छा इसको मैंने क्लोज नहीं किया, क्लोजिंग टैग दे दो। उसके बाद हम चलते हैं नीचे बटन पे, तो बटन पे चलते हैं, बटन का हम लोग लेफ्ट मार्जिन देते हैं आपका एंड्रॉयड ड्राइवर लेफ्ट मार्जिन देते हैं, इसको मैं लेफ्ट 30 30 नहीं, इसको 40 दे देता हूँ, 40 dp। राइट मार्जिन 40 dp, इसको और बढ़ा देता हूँ क्योंकि अच्छा थोड़ा तो छोटा ही बटन है तो अच्छा लगे, इसको मैं 50 कर देता हूँ। हाँ हाई विथ मैच पेरेंट है, हाइट मैच पेरेंट, रैप कंटेंट है, टेक्स्ट को मैं चेंज कर देता हूँ, टेक्स्ट यहाँ पर है लॉग इन, अब जो लिखेगी ऑटोमेटिक कैप्टन में हो जाएगा। बैकग्राउंड में इसका चेंज कर देता हूँ, अब जी इसका बैकग्राउंड कुछ अपने से बना के ग्रेडियंट की तरह दे सकते हैं। तो आपको सिंपली वही पहले की स्टेप यूज़ करना है कि ट्रेवल में जाके बना लेना अपना ग्रेडियंट कलर, अच्छा नहीं दिख रहा है, मैं इसको चलिए ठीक हो गया, मैं इसका टेक्स्ट कलर को थोड़ा सा वाइट कर देता हूँ, टॉप मार्जिन भी दे देता हूँ 20 sp। मैं क्या करता हूँ उसको, तो ये सारी चीज़ को मैं थोड़ी सी नीचे ले आता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ लॉगिन पे क्लिक किया, इसके कोड में पहुँच गया, इसको टॉप मार्जिन में देता हूँ, और मैं क्या करता हूँ इसका साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, रैप कंटेंट है, रैप कंटेंट में से जिसका जिसका उसका इतना ओरिजिनल साइज़ उतना ही रहेगा, तो मैं इसको मैं कर देता हूँ 50 50, तो छोटा ही हो रहा, तो मैं इसको 100, देखिए 100 करने से उतना बड़ा नहीं हो रहा क्योंकि इसकी साइज ही उतनी है, तो मैं इसको रैप ही रहने देता हूँ पहले। तो हमारा हो चुका है रेडी लॉगिन पेज, तो अब हम क्या करते हैं इसको पहले रन करके अपने फ़ोन में देखते हैं। तो रन करने के लिए सबसे पहले मैं अपने फ़ोन को इस पर कनेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको भी मैं दिखाऊंगा।
फ़ोन कनेक्टेड है तो मैं उसको स्क्रीन को फ़ोन के स्क्रीन को उस पर दिखाना पड़ेगा मुझे, तो उसके लिए मैं एक प्रोग्राम रन करूँगा। मेरा फ़ोन स्क्रीन आ चुका है, मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ। फिर से मैं एंड्रॉयड स्टूडियो में चलता हूँ। एंड्रॉयड स्टूडियो मेरे फ़ोन में देख रहे हैं यहाँ आ चुका है। मैं इसको एक सिंपली रन पे क्लिक करता हूँ और जस्ट वेट। और ये थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि यहाँ पर क्या करता है, एंड्रॉयड स्टूडियो APK पैकेज बनाता है, आपको आपके फ़ोन में इंस्टॉल करवाता है, तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और मेक श्योर कि आपका इंटरनेट कनेक्शन इस टाइम पे होना चाहिए। और बेसिकली ये डिपेंड भी करता है आपके सिस्टम के कंफिग्रेशन पे कि कितना आपका सारी चीज़ें हैं, जैसे कि रैम कितनी है, प्रोसेसर क्या है, तो उसके हिसाब से ये स्पीड अपना लेती है, मतलब टाइम लेती है। तो बी पेशेंस, धीरे धीरे ही सीखना है लेकिन सीख जाओगे। तो इस वीडियो में हम लोगों ने लॉगिन पेज बनाया, तो अगले वीडियो में हम लोगों ने साइनअप पेज बनाएंगे। ओके, सिंपली इसी तरह करके साइनअप पेज बनाएंगे। उसके बाद हम लोग साइनअप पेज पे यूज़र को साइनअप करवा के इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे धीरे धीरे और कुछ भी सीखेंगे। तो नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा स्क्रीन पे, लेकिन नीचे एक ग्रेडल बिल्ड रनिंग चल रहा है क्योंकि मेरी स्क्रीन रिकॉर्डर उतना कवर नहीं कर रही इसको, तो मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, वो बस टाइम ले रहा है। हालांकि जगह देखिएगा, जब ऐप रन होगा तो आपको एक एक्शन बार भी दिखेगा, तो उससे भी हम लोगों को रिमूव करना पड़ता है। तो हालांकि मैं रिमूव करना भूल गया, तो मैं कोई बात नहीं, एक बार ऐप को इंस्टॉल होने दीजिए फ़ोन में, उसके बाद मैं आपको फिनिश हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन आ चुकी है। अब हमारे फ़ोन में एक परमिशन मांगेगा इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए, तो मेक श्योर कि आपका फ़ोन में इंस्टॉल पे क्लिक करना है। मेक श्योर आपका फ़ोन में डेवलपर ऑप्शन ऑन होना चाहिए। वो कैसे ऑन करना है वो आप नेट पे सर्च कर सकते हो या यूट्यूब वीडियो दूसरे के देख के ऑन कर लो। मेरा फ़ोन में इंस्टॉल हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा, तो मैं ये इसका बात कर रहा था, ये जो टेस्ट ऐप दिख रहा है ना, ये मुझे मेरा हम लोगों का लुक ख़राब कर रहा। तो क्या करते हैं हम इसे रिमूव कर लेते हैं। तो इसे रिमूव करने के लिए सिंपली आपको वैल्यूज़ में जाना है, स्टाइल्स में जाना है, स्टाइल्स पे जाना है, और यहाँ डार्क एक्शन बार दिख रहा है, इसको सिंपली पकड़ना है, उसको कैपिटल N ओ नो एक्शन बार ऑटोमेटिक सजेस्ट करेगा इंटर। आप सिंपली फिर से ऐप को रीरन कर दीजिए, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। आप तो हमारा एक्शन बार हट चुका है, देख सकते हैं आप, सॉरी मिनिमाइज हो गया, एक्शन बार हमारा हट चुका है। और आपको यदि स्टेटस बार भी हटाना, मतलब हटाना है तो उसका भी है, तो आप फिलहाल रहने देते हैं। तो सिंपली आप यहाँ टाइप भी कर सकते हो, देखिए यहाँ पर आप टाइप भी कर सकते हो, पासवर्ड आप देख रहे हैं, पासवर्ड में आप टाइप कर देते हो ऑटोमेटिक। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि एक लॉगिन पेज हम लोगों को कैसे डिज़ाइन करना। आप बटन पर भी क्लिक करोगे तो कुछ होगा नहीं इसे। तो बाय फॉर दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो, प्लीज़। थैंक यू।